मैं हूँ लाली पप्पू की लाली और आप मुझे देख सकते हैं पप्पू लश्कारा ऑनलाइन पर। और हाँ, बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सलाम अलैकुम जी। ऐसे ही पप्पू जरा जॉली हो रहा था, थोड़ा ना ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे पप्पू ने सेहरा पहना हुआ है। नहीं नहीं, पप्पू ने सेहरा नहीं पहना हुआ, ये तो एम ही लगी हुई है यहाँ पे। तो भाई ने ऐसे कर लिया कि ऐसे जैसे सेहरा है, तो आप ये तो नहीं समझ रहे कि कहीं पप्पू लश्कारा की शादी हो गई है। वैसे अगर आप ऐसे समझ रहे हैं ना, तो आपके मुंह में ना घी शक्कर, लेकिन जो शुगर के मरीज है ना, वो प्लीज़ ज़रा परहेज करें इससे ना, घी शक्कर से। क्योंकि यहाँ पे ना पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज है, हर तीसरा बंदा हार्ट का मरीज है, हर चौथा बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज है, हर पांचवा बंदा कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, और हर छठा बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो रहा है। देखें ना जी, पप्पू लश्कारा ऑनलाइन जो है ना, वो बड़ा बाखबर आदमी है और बड़ा ऐसे ऑनलाइन टाइप आदमी है। देखें यार जी, सेहरा शेरा तो वैसे भी मैंने शादी पर पहनना नहीं है, क्योंकि लाली को मैंने भगा के लेके जाना है। हाँ जी, दौड़ के लेके जाना है, और लाली से जो शादी है वो छुप के होनी है, यानी कि हमने भाग के शादी करनी है, यानी ऑफिशियल शादी नहीं होनी है। देखना जी, आजकल तो ऐसे हो रहा है कि लोग शादी से पहले नहीं भागते, बल्कि शादी के बाद भागते हैं। अब ये जो शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ है हमारे ढाबे पे, इसी को ही ले लें, ये यहाँ पे अपने 4 साल के बच्चे को छोड़ के खुद हनीमून मनाने आ गए हैं। देखो ना जी, पप्पू लश्कारा दिलों का वारा, सब दा यारा हर वेले करदा ए रेंदा तारा रा रा रा। ऑनलाइन करे सारे वेट, जिसे जावे बन जावे स्टेज, ए द डिफरेंट स्टाइल ए द डिफरेंट टेस्ट, पब्लिक डिमांड छे ए द फेस। मुड़ा लश पश वेखो ए दे तशन वेखो, किवे टुरदा नहीं मुड़दा, औखा होवे ते सिधा जुड़दा, चाहे विच मिठा पत्ती तेज रखदा, गर्लफ्रेंड अपनी अंग्रेज रखदा, एनू सामना किसे दे नहीं यो बसदा। पप्पू लश्कारा दिलों का वारा, सब दा यारा हर वेले करदा ए रेंदा तारा रा रा रा। इजाज़ मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मुझे लाहौर क्यों लेके आए हो? लाहौर में फरिया रहती है ना। अच्छा, क्या हो गया तुम्हें? फरिया तो कब की गुजरांवाला शिफ्ट हो गई। मेरा मतलब है, कौन फरिया? कैसी फरिया? मैं कैसी फरिया को नहीं जानता। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें लाहौर अकेले नहीं आने दूंगी, इसलिए तुम मुझे साथ लेके आए हो सैर करने के बहाने। कल रात को भी तुम गायब हो गए थे अचानक अपने कमरे से। अच्छा, वो तो मैं पान खाने गया था। हाँ, तो शादी से पहले तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें लाहौर की सैर कराऊंगा, और फिर ढाबे पे भी लेके आया। हाँ, वो तो कल रात को ही मैंने देख लिया था तुम्हारी शर्ट पे और होंठों पे पान के निशान। वैसे एक बात, तुम मुझे कितना ऑब्जर्व करती हो। शट अप। पापन तलाले, अभी चाय तो दूर पति। एक कप चाय, पठानी टाइप की, मलाई मार के। उतादी, ए तब ताए मिथा रोक के पति थोक के और इतवार का तड़का लगा के। मैडम आप चाय उसमें जहर डाल दो। उताद देरीली ताए मलाई मार के। ताली सबके जाए पप्पू तेरे लश्कारों पे। अच्छा मुझे बता, मुझे हनीमून पे कहाँ लेके जाएगा? मैं तुझे फ्रांस लेके जाऊंगा। फ्रांस? वो क्यों? क्योंकि मुझे फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच टोस्ट और फ्रेंच लोग पसंद है। वे पप्पू, तूने इस हफ्ते भी दांत ब्रश नहीं किए ना? और लाली, और सबके सामने बिस्ती ना कर दिया कर, थोड़ी ऑफलाइन किया कर, लोग भी देख रहे होते हैं। वे पप्पू, तेरी बिस्ती मेरे बाप को लग जाए और मेरे बाप की उम्र तुझे लग जाए। कौन सी उम्र है, सारी तो गुजार दी है उसने। अच्छा मुझे ये बता कि शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? बेड पे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आराम करेंगे ना, पूरा 1 साल टब्बा बंद रखेंगे। 1 साल? वो क्यों? क्योंकि देखना, किट्टी की पैदाइश पे भी छुट्टी लेनी है, और उसके बाद शादी की भी छुट्टी लेनी है, तो 2 साल हो जाएंगे ना, तो 1 ही साल में दोनों काम कर लेंगे। मुझे तलाक चाहिए। बीबी दी, ये तो आपके थौल ही दे सकते हैं, मैंने तो अपनी बीबी के लिए संभाल के रखी है। अपनी बकवास बंद कर, अपनी बीबी को मैं खुद तलाक दूंगा, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ताब दी, मेरा नाम थीलू है, और छोटा तो मैं पैदा होते हुए भी नहीं था, पूरे 10 पौंड का था, वैसे तो पौंड की वैल्यू भी बल गई। थीलू हो या पीलू हो, बकवास बंद करो, चाय रखो यहाँ पे, मैं जरा 2 हाथ कर लूँ। तीसरा आता ही हो तो बताना है। थीलू सर, आता जाता रहकर यहाँ पे हैं, थोड़े से केक रस भी। देखिए जी, निकाह खां के साथ साथ ना, अब जो तलाक खां है ना, उसकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हर तीसरी शादी का अंजाम जो होता है वो उसके बाद तलाक में होता है। ये देखिए, तलाक हो या अलैदगी हो, लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, वो ये होती है कि बच्चा पहला ज़रूर पैदा हो जाता है। अब देखिए ना, इसका मतलब साफ ये है कि मियाँ बीवी की जो लड़ाई है वो कम अज़ कम 1 या 1.5 हफ्ते के बाद शुरू होती है शादी के। आप समझ ही गए होंगे। लेकिन देखें, ये जो रिलेशन होता है, ये जो शादी होती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट पे।
आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए बड़ा सख्त किस्म का, जैसे देखे ना मुझे और लाली को एक दूसरे पे है। हमारी मिसाल ले लें, हमारी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मूली और पत्ते, आलू और समोसा, ये जैसे दो गुर्दे आपस में जुड़े होते हैं तो बड़े हमारे दिल जो है ना वो एक जैसे ही मिलते हैं आपस में ना, ऐसे सॉलमेट टाइप ऐसा सिचुएशन है। आप नज़र नहीं लगा देनी यार। लाली कुछ परेशान सी लग रही है। पप्पू मुझे नहीं पता, फाइनल डेट बता मुझे शादी की। मेरे ससुर के 40वें के अगले दिन यानी कि 48 तारीख। लाली सच के जाए पप्पू तेरे अंदाजों पे। अच्छा मैं ना पापा को आज शौकत आनम हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। मुझे पहले ही पता था तेरे बाप को रसूली नहीं है, कैंसर है। पप्पू तू भी ना, अस्पताल के सामने एक हकीम बैठा है, उसकी दवाई से आराम आ गया है पापा को और पहली गोली खाते ही असर हो गया है। पता है काम करी, जब अगली दफा उस हकीम के पास जाएगी ना तो जरा मुझे भी लेके जाएगी। क्यों, तूने भी गोली खानी है? नहीं, गोली मारनी है उस हकीम के सिर में जिसने हमारी खुशियाँ छीन ली है सारी। अच्छा पापा कह रहे थे उन्हें मेरी शादी से कोई एतराज नहीं। अच्छा वाकई? पर अगर मैं पप्पू के अलावा किसी और से करूंगी तो। दुमी करके रख दी है सारी। मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ गुड्डू की कि तुम फरिया से प्यार नहीं करते। आशु मैं कसम खाता हूँ मैं फरिया से प्यार नहीं करता। पकड़ा गया तुम्हारा झूठ। मर्द होता ही घोड़े की तरह है, घोड़े का पेट भरा भी हो ना लेकिन फिर भी वो घास सूंघता जरूर है। क्या नहीं थीली कहते हैं, मर्द और घोला तभी भूले नहीं होते। लेकिन तुम तो घास सूंघने भी नहीं देती हो। और बताओ भला क्या झूठ बोला मैंने? हाँ पहले तुम कहते थे कि तुम फरिया को जानते भी नहीं हो और अब तुम कहते हो कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। वैसे थाने दे भी देते हैं कि हर साल बच्चा होता लेना तो मोहब्बत खत्म नहीं होती। यहाँ हर साल बच्चा नहीं होता, हर साल एक नया प्यार हो जाता है। वैसे पप्पू जो है ना आपस की बात बिलीव करता है कि दो चार शादियां कर लेनी चाहिए। लाली को ना बता दीजिएगा। ऐवें ही पप्पू अपने दिल में बिलीव करता कर थोड़ी रहा है, अभी तो एक बड़ी हो रही तो दो चार कहाँ से करनी है। लेकिन ऐसे ही सोच रहा हूँ जरा शादी वादी कर लेना बंदा ऐवें जरा चेंज हो जाता है, जरा दिमाग फ्रेश रहता है। और जो एक बीवी होती है ना फिर अकेली सिर नहीं खाती, एक सिर खाए आप दूसरी के पास चली जाएँ, दूसरी सिर खाए फिर आप तीसरी के पास चली जाएँ, तीसरी सिर खाए तो आप फिर कल्ले ही रहें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन ये है कि बीवी भावें एक शादी करें भावें दस शादियां करें, लेकिन ये है कि बीवी का ख्याल बहुत रखना चाहिए क्योंकि बीवी आखिर आपकी बीवी होती है। और जिस बाप बेचारे ने आपको अपनी बेटी दी है तो उससे आपने होर क्या लेना है, तो ऐवें डिमांडे ना किया करें। लाली सद के जाए पप्पू तेरे लिश्कारों पे। तुझे पता मेरे पापा को नाना बनने का कितना शौक है। तेरे पापा ने मुझे तो मामू बनाया था, वो मेरे हकीम साहब नहीं है, वो ये कह रहे थे कि मैं ना दो तीन महीने के अंदर अंदर किसी लड़की से शादी कर लूँ क्योंकि उन्होंने ना फिर ज्यारतों पे चले जाना। उन्होंने हमारा निकाह बनवाना है? नहीं निकाह की बात काम आना है, निकाह की बेद उनसे बनवानी है। नहीं लाली तेरा पप्पू जो है ना वो नींद में बहुत खराटे लेता है, किसी दवाई से राम ही नहीं आ रहा था तो फिर हकीम साहब ने कहा कि किसी ऐसी लड़की से शादी कर ले जो तुझे रात को सोना ही ना दे। मुझसे बेहतर कोई और लड़की हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने तो तुझे सारी रात सोने ही नहीं देना। अच्छा वो कैसे? क्योंकि मैं खुद इतने हराटे मारती तुझे नींद ही नहीं आनी। अरे वो मैं इसकी पैंस की तुम करके रख दी तूने। उतार दी आते इनकी लड़ाई करो, ये तो सुबह से फरिया की काम हो रही। हाय अल्लाह पप्पू कुछ कर ना, दो दिल टूटने से बचा दे तुझे मेरी पापा की कसम। अपने पापे से आपे को अपने पास ही रख। अच्छा करता हूँ कुछ कॉन्सेंट्रेट। इजाज़ अब मैं तुम्हारे साथ और एक मिनट नहीं रह सकती, या तो फरिया को यहाँ लेके आओ वरना मुझे डिवोर्स चाहिए। इतना था इतनी दिद कर लियो तो दे दें, शादी में पैसे लगते हैं तलाक तो फ्री होती है। बकवास बंद कर अपनी, इधर मेरी शादी मुसीबत में पड़ी है और तुझे मजाक की सूझ रही है। इजाज साहब आप फिक्र ना करें, पप्पू लश्कारा जरा ऑनलाइन टाइप का आदमी है, आपके लिए आपकी फरिया को ढूंढ के ले आया है। फरिया साहब तशरीफ ले आए। फरिया? कौन फरिया? फरिया सद के जाए इजाज़, तुम्हारी हैरानियों पे, अगर तुम्हारे घर टूटने का मसला ना होता ना तो मैं कभी तुम्हारे सामने ना आती। ये फरिया तो नहीं है? ओए इजाज़ साहब अपनी चोंच तो बंद रखो। आयशा मैं इजाज़ से मोहब्बत करती थी लेकिन जब इसने मुझे बताया कि ये तुमसे मोहब्बत करता है तो मैंने मायूस होकर किसी और से शादी कर ली और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। अच्छा इजाज़ आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पे शक किया। अच्छा चलो ना मुझे लाहौर की सैर कराओ। लेकिन अच्छा चले छोड़े ना, चले आए आ जाए ना, चले प्लीज चले चले आए लाहौर की सैर कर। लाली पप्पू सदके जाए तेरी अदाकारियों पे। लाली सदके जाए पप्पू तेरी फनकारियों पे। और थीलू थदके जाए इनकी मोहब्बत पे, हदारत बताए नहीं लेते थे। पप्पू लश्कारा दिलों का
ਦਾ ਯਾਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਐ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾ ਰਾ 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 ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਟੇਜ ਐ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਐ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਛੇ ਐ ਦਾ ਫੇਸ ਮੁੰਡਾ ਲਸ਼ ਪਸ਼ ਵੇਖੋ ਐ ਦੇ ਤਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਦਾ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪੱਤੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦਾ